वहीं बांका जिले में तीनों नगर पंचायतों में अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। इसी क्रम में बौंसी में कुल 35 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें मुख्य पार्षद के लिए 2 और वार्ड पार्षद के लिए 33 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, जबकि उप मुख्य पार्षद हेतु 1 भी नामांकन पर्चा नहीं भरा गया। वहीं नगर पंचायत अमरपुर में कुल 25 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें मुख्य पार्षद पद के लिए 4, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 2 और वार्ड पार्षद के लिए 19 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इसी तरह नगर पंचायत कटोरिया में कुल 23 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें से मुख्य पार्षद पद के लिए 2, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 1 और वार्ड पार्षद पद के लिए 20 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पद पर होगी वर्तमान में भी है, अभी भी पार्षद के रूप में है और 14 नंबर वार्ड से है, तो और चाहेंगे प्रगति हो हमारे गांव में समाज में। अभी आप वर्तमान में हैं तो कौन सी मुख्य समस्या है आपके नगर परिषद में, ये नगर पंचायत में अमरपुर में बताइए, इस पर आप रेज करेंगे? थोड़ा सा तो नलियों में थोड़ा सा रोड जाम हो जाता है कभी कभी, बरसा में वो वाला सफाई करवाना है और पानी का सुविधा करवाना है। क्या नाम हुआ? नीलम कुमारी जी। किस पद से आप? हम मुख्य पार्षद के लिए पहली बार, या इससे पहले भी आप चुनाव लड़े? हम इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और मुख्य पार्षद है, उप मुख्य पार्षद हमारे, हम तो विकास के लिए ही आगे बढ़े हैं और विकास का ही सोच से हम आगे बढ़े हैं। यहाँ बहुत सी जटिल समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बिजली की है। नगर में रहते हुए भी हम लोग नगर का उपभोक्ता जो है, शहरी क्षेत्र के रहते हुए भी शहर के नहीं रह पाते हैं। जी मेरा नाम रोहन कुमार, मैं नगर पंचायत 8 नंबर वार्ड से लड़ रहा हूँ। मैं